हाइकिंग हो रही है और गाइस अंकित की जी ना कुछ है, अंकित के ना पैर में ना कुछ है और उसको डर नहीं लग रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे और मैंने एक दो लोगों का स्टेटस देखा, वो लोग गए थे पिक्चर देखने के लिए। तो मैंने भी सोचा अभी नई पिक्चर आई है, मैं जाके क्यों ना देखूं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूं। तो गाइस अभी हो रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं 10 बजे वाला शो देखने, 10 या 10:30 बजे वाला किया है शायद तरुण ने बुक। मैं, अंकित, तरु और भाभी और भाई शैली भाभी, जैसे कि आप लोग देखते हो कि वो मेरी हर एक वीडियोज में आपको साथ ही मिलती है मेरे, क्योंकि वो हाँ वही रहती है मेरे साथ, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप उसको मेरी। तो गाइज ये पागल है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं फिलहाल रेडी हो जाती हूँ, अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, फटाफट से जाके मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइज चिढ़ता है, आप देखते ही हो ना ये मेरी वीडियो में मुझसे चिढ़ता है, कोई बात नहीं चिढ़ने दो। तो गाइज मुझसे चिढ़ता रहता है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग मैं रेडी होने जा रही हूँ, फिलहाल मैं रेडी होके फिर दिखाती हूँ आपको अपना लुक। तो गाइज ये हो चुकी हूँ मैं रेडी, मैंने डाली है ये रेड शर्ट जो कि है बहुत प्रिटी विद रेड चूड़ा, और अभी वेट कर रहे हैं हम शालू भाभी और भाई का ताकि वो जल्दी से आ जाए, और हमारी मूवी है 11 बजे की रात को, तो वो आएंगे तभी हम जाएंगे। मैं वेट कर रही हूँ उनका, आ ही गया बस वो लोग भी, सो मिलते हैं अभी बाद में। गाइज हम आए हैं, अंकित से मिल लो। ओए भाभी करो सब हेलो करो, हाँ रिव्यूज देंगे हम निकल के, कैसी लग रही है मूवी बता दो। कौन सी परी? हाँ आज जिसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे क्या बता रही थी आगे क्या किया तूने आज? आज मैंने सारे वीडियोस को लाइक करा, तो गाइस आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओह माय गॉड गाइस, बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है करते जाना, और इन्होंने टिकट आज जो है तरुण ने वो पहले से बुक नहीं कराई थी, अभी देखते हैं मिलती है नहीं, पोपट होता है हमारा। ये गए हैं टिकट लेने के लिए, देखते हैं मिलती है या नहीं। बच्चे के लिए चलो मिल गई, क्या हुआ है या नहीं है? अरे खाली है, इसमें कोई नहीं है। किसकी लगेगी पूछ लो, टिकट नहीं है। खाली है, हम 6 ही जने हैं देखने वाले। क्या क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे हैं? मूवी लगेगी या नहीं लगेगी? हम 6 ही जने लगेगी, 6 हमने 4 में देखी हुई मूवी। टिकट मिल चुकी है और सिर्फ ना हम लोगों के लिए लग रही है, मतलब पूरे हॉल में ना कोई भी नहीं है। पिक्चर में क्या रहे हैं? हम 6 होने ही वाले हैं। भाभी अभी तक कह रही थी कि अच्छी अच्छी, अब क्या कह रही है? यार पिक्चर में कार होगी, हॉल खाली है, पूरा हॉल खाली है और हम ही देखने आए हैं बस। यार खाली होगा तो बिल्कुल बेकार है, बेकार है। वो टिकट मिल गया और इतने में परी ने मेरी बहुत सारी रील बना दी है, जो भी इस ड्रेस में देखोगे ना वो सारी परी ने बनाई है, सो थैंक यू। गाइस मॉल पड़ा है पूरा खाली, बेकार बिल्कुल। क्या ये वाली देखने आए हैं और इनको पहले वाली और देखनी है? इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो गाइस। माचिस नहीं आती अंदर भाई। चेकिंग हो रही है और गाइस अंकित की जी में ना कुछ है, अंकित के ना पैर में ना कुछ है और उसको डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। निकाल दिया गाइस, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है और परी को हाथ। हेलो, अब हम अंदर आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा है और मजा भी आ रहा है, पूरा खाली पड़ेगा। इसकी चप्पल में भी नीचे तक चले गए, मैं तो दूध में जाता जाता गाइस। इसने ना अपने ना सॉक्स में ना कुछ रखा था, क्या हुआ फिर अंकित के साथ? मैं कहना चाहता हूँ सबने मॉल के अंदर आप ऐसा कोई चीज ना लिया, मैं तो चिंगम के अंदर आ गई हूँ। बहुत अच्छा, इसे कहते हैं मेरा भाई, वो कहाँ रहता है?
वहाँ वाले में। तो ना अंकित से आगे ना बंटी भाई था तो उसकी पूरी चेकिंग हुई, तो अंकित सोचा मैं तो जाऊंगा, उसने पहले निकाल के सरेंडर कर दिया अपने आप को। कोई नहीं है, सिर्फ हम ही आए ये हम ही सिर्फ इसमें आज सब खाली पड़ा हुआ है। अब पुनी चिद्र का भगवान है क्या, कोई है पीछे ही चलते चलो। इनको देखो, इनको देखो कैसे पसर के बैठे हुए हैं ये। क्या कह रहे हो, खाली है क्या करें ऐसे बैठे हुए यहाँ पे। और अभी हुआ विंटर वर्क, कैसे लग रही है? बढ़िया। तू झूठी, क्या समझ आया? मैं मक्कार हूँ। मूवी का नाम क्या है? तू झूठी मैं मक्कार हूँ। तू झूठी मैं मक्कार है ना? हाँ, ये मैं कंफ्यूज हो गई कि कितने बार आंसर। हेलो एवरीबॉडी, ये मेरी प्यारी सी बुआ, ये मेरी प्यारी सी फू, और ये देखो यहाँ पे मेरे प्यारी सी मम्मी डैडी है। प्यारे से कहे? प्यारे से वही है, प्यारे से नहीं है बैठे हुए कह रहे। और अभी हम मूवी देख रहे हैं, उस मूवी का नाम है, उस मूवी का नाम है तू। हम यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, उस मूवी का नाम है मैं तू झूठी मैं मक्कार। मूवी जो है वो अच्छी है, अभी तक इंटरवल हुआ है। अभी मैं पूरा रिव्यू आपको घर जाके दूंगी अपने अलग से ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, और थोड़ा सा मैं रिव्यू शेयर कर देती हूँ। वहाँ से नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो जल्दी निकलना था, घर से फोन आ रहे थे। तो गाइज हमारी जो मूवी थी कल की, उसमें हमारे एक स्टैंड अप कॉमेडी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अनुभव बसी, ठीक है, और उसमें है श्रद्धा और एक और है रणवीर कपूर, ठीक है। तो जो रणवीर है उसका नाम है मूवी में मिक्की, और श्रद्धा का नाम है टिन्नी। मूवी जो थी ना वो पता क्या थी कि ना वो एक दूसरे का ब्रेकअप कराते हैं, तो लास्ट में ना उनको पता, उसका काम होता है कि वो ब्रेकअप कराते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ना श्रद्धा को पता चल जाता है कि वो भी ब्रेकअप कराते हैं। बाकी ना पूरा जो रिव्यू है, पूरी मूवी का रिव्यू है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी बस मैं इतना ही बताती हूँ कि लास्ट में ना श्रद्धा और रणवीर कपूर अलग हो जाते हैं बिल्कुल। फिर उसकी जो फैमिली होती है रणवीर कपूर की, वो उनको मिलवाती है, ठीक है, क्योंकि जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तू अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए मैं तुझसे दूर जा रही हूँ क्योंकि मुझे सेपरेट रहना है। और रणवीर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, लेकिन एंड दी एंड जो फैमिली होती है रणवीर की वो उनको मिलवा ही देती है। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं फटाफट से, इतने मतलब कि पूरी फैमिली इतनी बढ़िया फैमिली होती है, उसमें दिखाया है कि फैमिली हो तो वैसी होनी चाहिए। तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और आप लोगों ने देखा है कि हम कौन कौन गए थे मूवी देखने के लिए। तो परी ने भी काफ़ी सारी आपके बातें करी है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि परी की गपशप कैसी लगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझसे अच्छी ब्लॉगिंग तो परी ही कर लेगी। तो गाइज अगर नेक्स्ट टाइम भी हम लोग साथ हुए तो परी जरूर बोलेगी। आप लोग भी उसको सपोर्ट करना गाइज, जो भी पहली बार आ रहा है वो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और मूवी का जो फुल रिएक्शन है वो मैं दूंगी आज या कल अपलोड कर दूंगी, तो गाइज वो भी आप जाके देखना। बाकी मूवी जाके आप देखना, मूवी अच्छी है, वेस्ट ऑफ मनी आपको नहीं लगेगा, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगेगा, मूवी इंटरेस्टिंग है। लास्ट का जो ट्विस्ट है वो बहुत जबरदस्त है। मैं भी आज या कल जो वीडियो डालूंगी उसमें सब कुछ डिस्क्लोज कर दूंगी, पूरा मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको, उसको रिएक्ट करने वाली हूँ। तो गाइज ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी पहली बार आ रहे गए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।